बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। कहते हैं प्यार और इश्क छिपाए नहीं छिपता, कुछ ऐसा ही हुआ है। इतनी सारी मेहनत के बावजूद भी राजकुमार राव और पत्रलेखा की हाईली सीक्रेट अफेयर वाली वेडिंग चंडीगढ़ में हो रही है और ये बात अब सभी को पता चल गई है। दरअसल कई सारे सेलिब्रिटीज मुंबई से चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि राजकुमार की शादी की खबरों और उनके शादी की बात अब सबके साथ खुलेआम हो गई है। हाल ही में उन दोनों का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें दोनों एक दूसरे को शादी के लिए प्रपोज करते नजर आए। दोनों की एंगेजमेंट हुई और दोनों काफी खुश नजर आए। अब इस शादी की बात करें तो इसे एक 7-स्टार वेडिंग डेस्टिनेशन में होस्ट किया जा रहा है जो कि चंडीगढ़ के सबर्ब्स में बेस्ड है। आपको बता दें, राजकुमार राव की ऑल वाइट थीम एंगेजमेंट सेरेमनी रखी गई थी 13 नवंबर को, जिसके बाद दोनों की मेहंदी और संगीत के रिचुअल 14 नवंबर को हुई और अब उनकी शादी की बात करें तो ये 15 नवंबर 2021 को होने वाली है। एक तरफ जहां फराह खान, हुमा कुरैशी, उनके भाई साकिब सलीम और हुमा के दोस्त डायरेक्टर मुदस्सर अजीज चंडीगढ़ 13 नवंबर को ही पहुंच गए, वहीं एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी, डायरेक्टर अमर कौशिक 14 नवंबर को सिटी में नजर आए। आपको बता दें, अदिति राव हैदरी और पत्रा जो कि जिनसे की राजकुमार राव की शादी हो रही है, दोनों एक समय मुंबई में फ्लैटमेट्स रह चुके हैं। खबरों की माने तो आयुष्मान खुराना अपनी वाइफ ताहिरा के साथ राजकुमार राव की शादी में नजर आएंगे। ऑल वाइट थीम एंगेजमेंट के बाद जल्द ही दोनों की शादी होने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि राजकुमार राव और पत्रलेखा की शादी में ज्यादातर वाइट डेकोर नजर आएगा। गेस्ट लिस्ट को सिर्फ 100 से 150 लोगों का रखा गया है ताकि ये वेन्यू लोगों से क्राउडेड ना हो जाए। यही वजह है कि इस शादी में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से यूज किया जा रहा है। वेडिंग गेस्ट की बात करें तो वो अभी तक इस शादी के फोटोज और वीडियोस खुलकर पोस्ट नहीं कर रहे हैं। कल हमें तो इंतजार रहेगा राजकुमार राव और उनकी नई दुल्हनिया पत्रलेखा से मिलने का। आपको ये जोड़ी कैसी लगती है कमेंट्स में हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा ये चैनल।